नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी गरीब विद्यार्थियों को जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनको इनसे फ़ायदा मिल सके। तो देखो, सवाल नंबर 1, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। आकृति दे रखी है, इसमें रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, कोण ए ओ सी, ए ओ सी मतलब इस कोण को और प्लस बी ओ ई, बी ओ ई मतलब इस कोण को, इन दोनों कोणों का जोड़ आता है आपके 70 डिग्री, और कोण बी ओ डी 40 डिग्री है, बी ओ डी मतलब ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है, ठीक है। तो कोण बी ओ ई, ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। एक तो बी ओ ई ज्ञात करना है, बी ओ ई मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा प्रतिवर्ती सी ओ ई, सी ओ ई मतलब इस कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है बच्चों कि ये कोण जितना होगा ना उसको 360 में से माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे? पहले ये कोण ज्ञात करेंगे, फिर इसको 360 में से माइनस कर देंगे तो उसका प्रतिवर्ती आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, ध्यान लगाना आप। पहले तो क्या दे रखा है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई दोनों का जोड़ होता है 70 डिग्री, ठीक है। और दूसरा दे रखा है कोण बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो, एक तो मैं ये कोण ज्ञात करना है और एक ये कोण ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान लगाना है। पहले तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, ये एक सीधी रेखा है, इसको ये एक तिरेक रेखा काटे, ठीक है। तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है, पढ़ाया था, उदाहरणों में भी बताया था, इसके उदाहरण करवाए थे और इसके जो भूमिका करवाए थे उसमें बताया था, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर बच्चों यहाँ पर मैं एक लाइन और बना दूँ, ठीक है, तो इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला, इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180, क्योंकि ये एक ही सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनाओ, कितने भी 2, 3, 4, 5 सबका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ो आप, ए ओ सी, इसका नाम ए ओ सी, कोण कौन सा, ए ओ सी प्लस ये वाला ले लो बी ओ ई, ये वाला है ना, कौन कौन सा, बी ओ ई प्लस कौन कौन सा, ये वाला सी ओ ई, ठीक है, कौन सी ओ ई, ये तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही सीधी रेखा पर, एक ही सीधी रेखा पर, ऐसे लिखना, एक ही सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, AOC और BOE, AOC और BOE को जोड़ने पर कितना आता है, 70 आता है। तो इन दोनों की जगह कितना लिखेंगे, 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180, ठीक है। हमें सी ओ ई ज्ञात करना है तो 70 को उधर भेज देंगे, ये प्लस का है किस में जाएगा, माइनस में, तो कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है। 180 में से 70 घटाओगे
तो 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला कोण कितना आ गया, 110 आ गया। अब इसका हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती। अगर प्रतिवर्ती ज्ञात करना हो तो उसको आप किस में से घटाओगे, 360 में से घटाओगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। अब बताओ बेटा कैसे निकालोगे, 360 में से माइनस कर देंगे 110 को, ठीक है। तो बताओ कितना आया, जीरो में जीरो गया तो जीरो, छह में से एक गया तो पांच, तीन में से एक गया तो दो, तो यह आ जाएगा 250 डिग्री। कोई डाउट नहीं है ना, तो ये पहला उत्तर आ गया आपके, ठीक है। अब एक और ज्ञात करना है, बी ओ ई, मतलब कौन सा, बी ओ ई ये वाला कोण। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे ये कोण, बच्चों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। क्यों होंगे बराबर, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को, परमेय नंबर 6.1 पढ़ी है ना, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो इधर और इधर बनने वाले कोणों को कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख। और ये दोनों कोण में से क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, तो देखो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ कितना था, 70, तो 70 में से 40 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ में आया कैसे, देखो ध्यान लगाओ, यही कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो पहले तो ये दोनों कोण बराबर है, कौन कौन सा, ए ओ सी, ए ओ सी किसके बराबर होगा, बी ओ डी के, कौन बी ओ डी के, क्यों होगा, कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, हो गया। अब देखो ए ओ सी का, तो ए ओ सी बराबर, अब बी ओ डी कितना है, बी ओ डी कितना है, 40, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, आ गया ये 40। अब इन दोनों को जोड़ने पर ये देखो कौन कौन सा, ए ओ सी प्लस कौन कौन सा, बी ओ ई, बी ओ ई, इन दोनों का जोड़ कितना है, 70, ये सवाल में दे रखा है। ए ओ सी कितना, ए ओ सी 40 प्लस बी ओ ई हमें ज्ञात करना है, बराबर 70। तो बी ओ ई ज्ञात करना है तो 40 उधर चल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो बताओ कौन बी ओ ई कितना आ गया, 70 माइनस 40, तो कौन बी ओ ई बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण तो आ गया 30, और इसका प्रतिवर्ती कितना आ गया, 250। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से अगर आप करते हो तो आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस आप जब इस प्रश्नावली की मैंने भूमिका वाले क्लास पढ़ाई थी वो आप जरूर से जरूर समझे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे समझो, ठीक है। अब देखो उदाहरण सवाल नंबर 2, आकृति में रेखाएँ एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। आकृति में रेखा एक्स वाई और एम एन यहां पर बिंदु ओ पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि कोण पी ओ वाई, पी ओ वाई देखो यहां पर पी है, पी ओ वाई मतलब ये वाला कोण है 90 डिग्री, ठीक है। और ए अनुपात बी, 2:3 है, ए तो है 2 और बी कितना है, 3, तो कोण सी ज्ञात कीजिए, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो जो दे रखा है वो लिख लो, कोण पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री, ये हमें दे रखा है। दूसरा कोण ए अनुपात कोण बी बराबर दे रखा है 2:3, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जब भी आपको अनुपात में दे रखे हो, उदाहरण किया था हमने, तो उनको आप मान लो, उनके पीछे अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर लगा सकते हो। तो कैसे देखो, माना कि a बराबर तो कितना है 2x और b बराबर कितना है 3x, ठीक है ना, a तो है 2x और b कितना है 3x, ठीक है, हो गया, ये दोनों को मान लिया हमने। अब बच्चों करना क्या है, देखो ये a की रेखा पर ये सीधी रेखा है, इस पर ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा बताओ, 180 होगा ना। अभी बताया था कि एक ही सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, मतलब यह सीधी रेखा है तो इस कोण को और इस कोण को और इस कोण को, ये पूरा कोण ये वाला है ना, ये वाला पूरा कोण कितना होगा, 180 होगा ना। तो कौन कौन सा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ये वाला, क्या नाम है, पी ओ वाई, पी ओ वाई का जोड़ होता है 180 डिग्री, ठीक है।
कारण क्या लिखोगे? सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। अब आगे देखो, ए का मान ये रहा 2x, ठीक है, प्लस बी का मान 3x, POY का नंबर बराबर 180, ठीक है। अब देखो ये दो और तीन तो क्या 5x, ठीक है, नब्बे को उधर भेज देंगे क्योंकि यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 180 माइनस नब्बे, तो 5x बराबर 180 में से नब्बे कटाएंगे तो नब्बे, और ये 5 गुणा में तो कायम में चल जाएगा भाग में। अब भाग लगाओ, x बराबर 5 एकम 5 और 8 पंजो 40, तो x का मान कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम ये दोनों कोण ज्ञात कर लेंगे, कौन कौन से, देखो ध्यान लगाओ, एक तो कोण A, तो कितना है 2x, कितना है भाई 2x, 2 का तो 2 गुणा x का मान 18, तो ये 18 दूनी 36 हो गया। अब B का कितना है 3x, 3 का तो 3 इंटू 18, एक्स का मान 18 है ना, 18 54 आ गया, ठीक है। तो ये कोण तो है 54 और ये कोण कितना है आपके 36, ये हमें ज्ञात नहीं करने थे, हमें तो केवल C वाला ज्ञात करना है। अब देखो C ज्ञात करने के लिए ये हमें क्यों ज्ञात करने पड़े, ध्यान लगाना इधर, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा, इस सीधी रेखा के एक ही ओर देखो इसको ये रेखा काट रही है, तो यहाँ और यहाँ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा 180। बताया था कि सीधी रेखा है, अगर उसको कोई तिरेक रेखा काटती है तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इन्हें कौन से कोण कहते हैं? रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। देखो सीधी रेखा, इसको तिरछी रेखा काट रही है, तो इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना आएगा 180 आएगा ना। तो देखो यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी, या ऐसे लिख लो, बी प्लस सी को जोड़ने पर कितना आएगा 180। कारण क्या हो जाएगा? रैखिक कोण युग्म। देखो अगर दो ही कोण हो ना, दो ही कोण, तो रैखिक हो जाएगा रैखिक कोण। अगर दो से ज्यादा हो तो फिर यह चीज लिखनी पड़ेगी, एक ही रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, ठीक है। अब देखो बताओ, बी का मान तो हमने निकाला ये रहा 54, ठीक है, प्लस सी ज्ञात करना है बराबर 180। अब सी ज्ञात करना है, 54 उधर चल जाएगा, तो 180 माइनस 54, तो सी बराबर बताओ घटाओ, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2 और ये 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो कोण सी कितना आ गया 126। आगे समझ में, पहले हम बी ज्ञात करेंगे इस प्रकार से, फिर बी और सी का जोड़ 180 होगा, तो ये आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उतार सवाल नंबर 3, आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, ये आकृति दे रखी है, इसमें कोण पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण जो बीच में होता है ना, वो एक आपका कोण होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ क्यू है तो ये वाला, आर है तो ये वाला, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, हमें सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये वाला कोण, ठीक है, बराबर पी आर टी, पी आर टी मतलब ये वाला कोण, आपको ये दोनों कोण बराबर करने हैं, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, ठीक, अगर सिद्ध करने वाले जो सवाल आते हैं उनको एक फिक्स मेथड से हम हल करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ फिर सिद्ध करना फिर उसको हल करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, ठीक है, हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है, ये कोण पी क्यू एस बराबर लाना है कोण पी आर टी, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे वहां लिखते हैं उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में हम इनको हल करेंगे, ठीक है, उत्पत्ति में हम हल करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना इधर, इनको सुविधा के लिए हम नंबर दे देते हैं, या फिर आप कोण भी दे सकते हो चाहे तो, या फिर नंबर दे दो, जैसे यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, सुविधा के लिए, ठीक है।
अब देखो ध्यान लगाना कैसे करेंगे बच्चों, बताओ एक नंबर और तीन नंबर को जोड़ने पर कितना आता है, कोण एक और कोण तीन को जोड़ने पर कितना आएगा, या इस पूरे कोण का नंबर मत दो तो डायरेक्टली कर लो, नंबर से कहे थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना आएगा 180। ये एक सीधी रेखा, इसको ये रेखा काट रही है, तो एक सीधी रेखा पर एक तिरेक रेखा हो तो दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, और उन्हें कौन से कोण कहते हैं, रैखिक कोण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये कोण का क्या नाम है, पी क्यू आर, कोण कौन सा, पी क्यू आर प्लस इस कोण का नाम पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, कारण भी लिखना पड़ेगा, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहां भी इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना आएगा 180 आएगा ना, सीधी रेखा ये तिरेक रेखा, एक इधर और एक इधर बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो देखो क्या नाम है इसका, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस बार वाले का पी आर टी, कोण पी आर टी, इनका जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री। कारण यही लिखना आपको कि रैखिक कोण युग्म। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर एक और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर दो। ठीक है, अब समीकरण नंबर एक व दो में देखेंगे, यहां भी 180 और यहां भी 180, दोनों 180 है ना, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। जब भी दो समीकरणों में एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण नंबर एक व दो से ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस किसके बराबर होगा, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस और पी आर टी, ये रहा पी क्यू एस और ये रहा पी आर टी। ठीक है, मतलब ये दोनों हमें रखने हैं और ये दोनों हमें हटाने हैं। तो देखो इन दोनों को कैसे हटाएंगे, यहाँ पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों क्या है बराबर, सवाल में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये नाम लिखेंगे, ये दोनों बराबर है ना। देखो यहाँ लिख दो, मैं लिख देता हूँ कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, ये क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है ना। तो देखो पी क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसकी जगह लिखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस। ठीक है, बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, दोनों तरफ क्या चीज सेम है, पी आर क्यू इधर भी है और पी आर क्यू इधर भी है, तो इससे ये कट गया, क्या बचा कोण पी क्यू एस, उधर क्या बचा कोण पी आर टी, क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, आ गया। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम, बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। आप चाहो तो सुविधा के लिए नंबर दे दो, नंबर से थोड़ा आसान हो जाता है, आगे समझ में। अब देखो सवाल नंबर चार, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ये जो आकृति दे रखी है इसमें x प्लस वाई ये दोनों कोण और ये दोनों, इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये जो रेखा है ये एक सीधी रेखा है। तो बताओ सीधी रेखा कब होगी, जब अगर इस पर कोण हम 180 डिग्री लिया है, कितना कोण लिया है 180 डिग्री, तो एक रेखा क्या हो जाती है, सीधी रेखा हो जाती है। एक सीधी रेखा तभी होती है जब उस पर कितने डिग्री कोण होता है 180 का, मतलब अगर हम यहाँ पर या तो इस तरफ या इस तरफ दोनों में से किसी भी तरफ कोण कितना बना दें 180 डिग्री बना दें, तो ये एक ये रेखा क्या हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। तो देखो सिद्ध करने वाला सवाल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें दिया हुआ, बहुत आसान है ध्यान लगाना, सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ, ये रहा कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी ए क्या है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। ठीक है,
अब सीधी रेखा बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर हमें लाना है 180 डिग्री का कोण, या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। तो देखो कैसे लाएंगे, ध्यान लगाना इधर बच्चों, इन सभी कोणों को, x को, y को, z को, w को, सभी को जोड़ने पर कितना कोण आएगा, देखो पूरा चक्कर लग रहा है, तो संपूर्ण कोण है, और संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सबको जोड़ो, कौन कौन सा, उत्पत्ति में, देखो हम काय में करते हैं, उत्पत्ति में, तो देखो x प्लस y प्लस x को y को, ठीक है, और किस क्या है w और क्या है z, x y w और z सबका जोड़ आता है 360, ठीक है। बताओ ये क्यों आता है, ये आएगा आपके संपूर्ण कोण, है ना, पूरा कोण एक चक्कर लग रहा है, इसलिए 360 हो जाएगा, हो गया। अब देखो हमें सवाल में क्या दे रखा है कि ये दोनों बराबर हैं, बराबर है ना, तो यहां पर इन दोनों की जगह एक ही नाम लिखेंगे, या तो x प्लस वाई लिखेंगे या w प्लस जेड लिखेंगे। तो देखो यहां पर x प्लस वाई बराबर किसके हैं, w प्लस जेड के, ये मैं सवाल में दिया हुआ है ना। तो देखो यहां x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई और w प्लस जेड ये भी किसके बराबर है, x प्लस वाई की जगह, तो इसको भी क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 360, ठीक है। अब देखो एक एक्स और एक एक्स दो एक्स, एक वाई और एक वाई दो वाई बराबर 360 आ गया। अब देखो सब में किसका भाग जा रहा है भाई, दो का भाग जा रहा है इन सब में, तो सब में आप किसका भाग दे सकते हो, दो का भाग दे सकते हो, तो दो का भाग इसमें दिया तो x, दो का भाग इसमें दिया तो y, और दो का भाग इसमें दोगे तो दो एकम दो आठ दूनी सोलह 180 बार। तो देखो x प्लस वाई कितना आ गया 180, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है, इसका मतलब ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये आपके एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ कितना आ गया 180। तो अतः हम क्या लिखेंगे, कोण x प्लस कोण y क्या है, रैखिक युग्म कोण है, कौन से हैं, रैखिक युग्म, और अगर ये दोनों रैखिक युग्म है तो ये क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी, अतः ए ओ बी एक क्या है, एक सीधी रेखा है, इति सिद्धम। आगे समझ में, तो बच्चों आओ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे, आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, इसके दो सवाल और शेष बचे हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे, आज समय का थोड़ा अभाव है इस वजह से हम दो सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको समझ में आ रहा हो तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, प्रत्येक बार में ये चीज़ बोल रहा हूँ तो आप इसे अधिक से अधिक जरूर करें। थैंक यू।